नेशनल हेरल्ड केस में कांग्रेस पर जांच का शिकंजा सख्त हो रहा है और पहले राहुल गांधी सोनिया गांधी से पूछताछ का लंबा सिलसिला चला, अब दिल्ली के हेरल्ड हाउस में प्रवर्तन निदेशालय का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं, उनसे पूछताछ। हेरल्ड हाउस में ईडी की तफ्तीश लगातार जारी है। इसके पहले आपको बताया यंग इंडिया का दफ्तर सील किया गया और अब मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में ये जांच जारी है। इसके पहले सोनिया गांधी से राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी और मल्लिकार्जुन खड़गे अभी ईडी के समन पर हेरल्ड हाउस पहुंचे हैं। खड़गे और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हिमांशु का। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अभी कार्रवाई देख पा रहे हैं आप? आशुतोष, करीबन 2 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर मौजूद है और उनकी ये गाड़ी देखिए जिससे वो यहाँ पे आए थे पार्लियामेंट से, वो गाड़ी यहीं पर उनकी इस बिल्डिंग के बाहर मौजूद है और लगातार 2 घंटे हो गए हैं जब वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उनके साथ कोई दूसरा हालांकि बड़ा नेता मौजूद नहीं था। इसके पहले हम आपको बता दें कि किस तरीके से तेजी आई है। जब राहुल गांधी से पूछताछ की गई करीब 50 घंटे, उसके बाद सोनिया गांधी से करीब 12 घंटे की पूछताछ हुई और उसके बाद मंगलवार को 12 टीमें ईडी की निकलती हैं अलग अलग जगहों पर, लखनऊ में, कोलकाता में, मुंबई में और दिल्ली में। दिल्ली में हेरल्ड हाउस आप देख रहे हैं, यहां पर ईडी की टीम पहुंचती है और उसके बाद काफी देर तक रुकती है। मंगलवार से बुधवार की रात आधी रात तक वो यहां पे करीब रुकती है टीम और यहां पर जो यंग इंडिया का एक ऑफिस है, यंग इंडियन का, उसके एक हिस्से में सील लगा करके चली जाती है और उसके बाद आज मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंचते हैं ईडी की टीम के अधिकारी और उसके बाद आगे की कार्रवाई चल रही है। इस पूरे मामले में ईडी लगातार सबूतों और सुरागों की तलाश में है क्योंकि जब पूछताछ हुई थी राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से तो उसके बाद जो कुछ इसके पहले इन्वेस्टिगेशन हुई थी, तकरीबन 2014 में ईडी की एंट्री पूरे मामले में हुई थी जो वित्तीय अनियमितता का आरोप है और उसके बाद जब पूछताछ हुई तो पूरे जांच में आशुतोष देखिए अचानक से तेजी आती है क्योंकि एक साथ 12 टीमें ईडी की निकलती है। अब ये देखना होगा कि जो ये 12 जगहों पर अलग अलग जगहों पर जो रेड हुआ था उसमें से क्या कुछ निकल के आ रहा है क्योंकि जानकारी ये है सूत्रों का कहना कि कुछ एंट्रीज यहाँ पर नहीं, दूसरे ऑफिसेज में कोलकाता उधर की कुछ एंट्रीज की बात है जो संदिग्ध है जिसकी पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा भी ईडी की टीम कुछ और सबूतों और दस्तावेजों की तलाश में जुटी हुई है। सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, राहुल गांधी से पूछताछ हुई, अब मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में जिस तरह से ये जांच आगे चल रही है, ईडी सूत्र क्या बता रहे हैं, अब तक कुछ सुराग हाथ लगे हैं क्या? देखिए 2014 में ईडी की इस पूरे मामले में आशुतोष एंट्री हुई थी और उसके बाद जून अभी पिछले महीने राहुल गांधी से 50 घंटे की पूछताछ हुई और उसके लिए पूरी तैयारी थी, पूरे क्वेश्चनार, लंबे लंबे क्वेश्चनार तैयार थे और उसके बाद सोनिया गांधी से पूछताछ की गई और फिर वहां से जो जवाब मिले कुछ चीजों को, जवाबों को लेकर के ईडी की अधिकारी संतुष्ट नहीं थे और यही वजह है शायद कि मंगलवार को एक साथ ईडी की 12 टीमें निकलती हैं और वो 12 अलग अलग ठिकानों पर पहुंचती हैं, जो हेरल्ड हाउस, यंग इंडियन के जो दफ्तर हैं उनसे जुड़े हुए जो तमाम दफ्तर हैं, जो ऑफिस है वहां पर वो पहुंचते हैं और सर्चेस की जाती है, लगातार छानबीन और पड़ताल की जाती है। अब उन सभी चीजों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया जा रहा है इनकी ईडी के अधिकारियों द्वारा और कोशिश की जा रही है जो अब तक की जांच हुई है उसको सिलसिलेवार तरीके से रखने की कि अगर कहीं किसी चीज की कोई कमी है या फिर कुछ ऐसी चीज उन्हें पड़ताल में कोई संदिग्ध चीज मिली है तो उसके लिए वो पूछताछ करें। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी खबर पर अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।